बुद्धिमान तोता। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक शिकारी की नजर तोतों के बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत सुंदर उपहार हैं। और फिर वो उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने उन तोतों को राजा को उपहार के स्वरूप में दिया तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उन्होंने 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें बहुत सुंदर पिंजरों में रखा गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ने लगे। नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई हम कितने खुश नसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल भी रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी जरूरत की हर चीज बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोतों को राजमहल का जीवन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। सारे सेवक उनकी देखरेख में लग गए और खाने पीने का भी विशेष ख्याल रखा जाने लगा। अब सबने तोतों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलना पसंद करने लगा। ये देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इसके कारण अब हमारी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस पर बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थाई नहीं रहता मेरे भाई, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन बीते, बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया, सेवकों को भी बहुत परेशान किया। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चली तो उसने उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए भाई। इस पर बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए जब समय साथ ना दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने ये तय किया कि अब वो बुरे वक्त में भी अपना धैर्य बनाकर रखेगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज स्थाई नहीं रहती, समय के साथ हर चीज बदलती है, इसीलिए मुश्किल समय में सब्र बनाकर रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द स्टोरी, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।